So guys, in this I will show you what is originally inside the power bank which we buy at cheap rates from the markets at Chandigarh and Delhi, like that one which I bought for 300 rupees at the Chandigarh market. तो उस समय मैंने देखा कि सैमसंग है 25,000 mAh है, तो उसने कहा जी चोर बाजार का माल है, सस्ते में ले लीजिए. सो आई हैड ओपन द लॉक एंड नाउ आई विल शो फाइनली दैट व्हाट इज इनसाइड इट. सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस. सो लेट्स सी, इसके अंदर जो कि बाहर से आप देख रहे थे सैमसंग लिखा हुआ है, 25,000 mAh पावर बैंक, जो कि पूरा सैमसंग गैलेक्सी दिखा है यहाँ पे, पूरा चार्जिंग के लिए दिया है, यहाँ पे 3 points दिए थे चार्जिंग के लिए. तो फाइनली इसके अंदर है क्या, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 बैटरीज लगाई हैं, वो जिसको कि हम समझ रहे थे कि पावर बैंक है. तो ये सामने सामने हम देख सकते हैं कि ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने किस टाइप का बनाया हुआ है. तो आई विल ओपन इट. ये देखिए कैसे कि घटिया प्रकार की सभी दिखी. तो ये सेल तो कनेक्ट भी नहीं है, ये जस्ट स्टेबल करने के लिए उन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे. ये भी जस्ट वैसे ही है प्लास्टिक. दिस इज आल्सो आई थिंक या ओनली ये एक सेल है जो कनेक्टेड है, और ये आपके इन 3 points को आउट्स को पावर देता है, और इसी सेम के ऊपर LED भी चल रही है. और जब हम चार्जिंग के लिए इसको लगाते हैं तो इस पॉइंट से बस यही एक सेल चार्ज होता है, जिसको हम समझते हैं कि भाई हमारा पावर बैंक चल रहा है. जिसको हमें दिखाते हैं कि देखिए फंक्शनिंग है ये, और हम इसको खरीद लेते हैं. सो ये देखिए, ये भी कुछ वो नहीं है. ये देखिए, ये भी कोई जस्ट प्लास्टिक की ऐसे सेल सा बनाया हुआ है ताकि इसको एक सेल को स्टेबल किया जा सके और हमें वेट दिया जा सके. लाइक कि जैसे हम किसी बैग के अंदर पत्थर भर के इसको बेवकूफ बना रहे हो, तो लाइक उस टाइप का ही है. तो ये देखिए इसके अंदर. So finally in that power bank which was like that Samsung battery pack 25,000 and वो आपको बोलेंगे कि ये power bank जो बाजार में 2,000 का है हम आपको 500 रुपीज में दे देंगे, और आप सोचो उसको बोलोगे नहीं मैं 200 में लूंगा. तो उसमें हमें लगता है कि हम ये चोर बाजार का माल है जो हम सस्ते में ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम घर आते हैं और हम फोन चार्ज करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक सिंगल फोन भी चार्ज नहीं कर पाता है. तो मुझे लगता है अब आपको पता लग गया होगा कि जब भी हम जाते हैं चंडीगढ़ दिल्ली या किसी और भी प्लेस में घूमने जाते हैं, तो हम वहाँ पे मार्केट में जब देखते हैं कि जो लोग ऐसे घूम के सामान बेचते हैं, हमें उनसे सामान नहीं लेना चाहिए और हमें इससे बचना चाहिए.